हॉस्पिटल के अंदर टाइम पर डॉक्टर नहीं मिलते, नहीं कोई दवाई आती है। यहाँ पर डॉक्टरों के पास लेट आदमी जाता है तो उसको रेफर करते हैं रोहतक की तरफ, उसका कोई इलाज नहीं करते। नहीं कोई शिक्षा के ऊपर ध्यान है, स्कूलों के अंदर टीचर समय पर नहीं आते, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, नहीं उनको कोई संभालने वाला, नहीं कोई पढ़ाई का टीचर नहीं है किसी सब्जेक्ट का, बच्चे बहुत परेशान हैं। सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जाते? सरकारी स्कूल में बच्चे इसलिए नहीं जाते, सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। जो टीचर हैं वे समय पर आते नहीं, सारा दिन अपना काम करते, फोनों के ऊपर बातचीत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं। गरीब घर के बच्चे जाते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, ऐसे ही सारा काम गड़बड़ मचल रहा है। गाँव के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की। पानी हमारे गाँव में दो बरसात होते ही अधिकतर रोडों के ऊपर पानी आ जाता है, जो गलियों में से निकला नहीं जाता। और खेतों के अंदर जो ये बेमौसम बारिश हुई है, इसके कारण किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अगर सरकार समय पर सही कदम नहीं उठाती तो आने वाली अगली फसल भी बोने के लिए दिक्कत होगी। इस पानी को निकाला जाए और जो उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। डिगल गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? एक तो कभी आधार कार्ड कभी पैन कार्ड को जोड़ो तब पेंशन मिलेगी, नहीं तो 10,000 रुपये कटेंगे, ये होगा वो होगा। ये ताऊ ने जो पेंशन बनवा दी, इसके ऊपर जो घेरा घाद रखा है, ये बिल्कुल नाजायज है। पहली बात तो है ये। दूसरी बात, मोटरसाइकिल पर ये बट बट करते हैं, जो कमज़ोर दिल की जनानी है या और भी आदमी है या और भी कोई महेश पाउस आ रहा है, ये नुकसानदायक चीज़ है। क्या है? हाँ, और दूसरी बात, ये पालतू पशु पालतू जो कुत्ते हैं वेद अलग चीज़ है। गलियों में कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए, इनका जो पहले इंतज़ाम होता था वो किया जाए, और बंदर भी ज़्यादा है। तो ज़मींदार के हक में जो अभी भगवान ने किया है वो बहुत नादाद होगा। ज़मींदार के हक में इनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है ज़मींदार को, जो मेहनत थी जो खर्चा था वो लग चुका, और अब भगवान ने उसको पूरी फसल को गिरा दिया, उसमें चौथा हिस्सा की इनकम भी नहीं रही। इसका कुछ मुआवजा देना चाहिए गवर्नमेंट ने, मुआवजा कम से कम भी, जैसे वादा में लेता है किसान 50,000-40,000 रुपये किला, तो उसका आधा तो कम से कम होना चाहिए।